नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। टीबी एक संक्रमण रोग है। ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। टीबी मुख्य रूप से फेफड़े और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ मामलों में यह शरीर के अन्य अंगों में हो सकता है। यह नाखून और बालों के अलावा खून के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक फैल जाता है। टीबी हड्डियों में भी हो सकता है, तब इसे बोन टीबी या हड्डियों में टीबी कहा जाता है। टीबी दो तरह की होती है, एक पल्मोनरी टीबी और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जब टीबी फैलता है तो इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। बोन टीबी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को प्रभावित करता है। क्या है बोन टीबी? यह आमतौर पर शरीर की किसी भी हड्डी को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी पीठ इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। बोन टीबी हाथों के जोड़ों, कोहनियों और कलाइयों को भी प्रभावित करता है। टीबी का बैक्टीरिया खून के माध्यम से अन्य अंगों तक फैलता है। बोन टीबी के लक्षण, कोई भी बीमारी शुरू होने पर कोई ना कोई लक्षण जरूर नजर आते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हड्डी की टीबी के लक्षण शुरुआत में नजर नहीं आते। शुरुआत में इसमें दर्द नहीं होता। इसके लक्षण तब नजर आते हैं जब बीमारी शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो इसमें थकान, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, फोड़े, जोड़ों में दर्द, गंभीर पीठ दर्द होना, कलाई और कोहनियों में दर्द, हड्डियों की अव्यवस्था महसूस करना। बोन टीबी के कारण। बोन टीबी एक संक्रमण रोग है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को माइक्रोबैक्टीरियम रोग वाले पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है। पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बैक्टीरिया आप तक आ सकता है। ऐसे में आपको इससे पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बोन टीबी तब होता है जब यह फेफड़ों के माध्यम से हड्डियों या जोड़ों में फैलता है। किसी श्रेय योग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी बोन टीबी हो सकता है। टीबी हवा के माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैल सकता है। टीबी के संपर्क में आने के बाद यह फेफड़ों, लिम्फ से रक्त के माध्यम से हड्डियों, रीढ़ या जोड़ों में जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।